नमस्कार, मैं शबनम और आप देख रहे हैं जनता की आवाज। इस समय आपको बता दें कि करनाल के नगर निगम के बाहर मौजूद है और यहाँ पर आपको बता दें शिव कॉलोनी के इलाके के रहने वाले लोग जो है आज अपनी समस्याओं को लेकर यहाँ पर पहुंचे हैं। इनसे बातचीत भी करते हैं और इनकी जो समस्या है बहुत ही ज्यादा गंभीर है। जी सर, क्या कहना चाहेंगे आज नगर निगम में पहुंचे हो कमिश्नर साहब से मिलने? ऐसा शबनम जी, आपने आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि आप हमारी खबर कब से कवर कर रहे हो। शिव कॉलोनी के बारे में आपको पता, हमें 7-8 साल से परेशानी है। मुख्यमंत्री साहब को हमने पहले मनोहर लाल खट्टर जी, उनको भी एप्लीकेशन दी थी, हमारे समाधान नहीं हुआ। उसके बाद नायब सिंह सैनी जी को इस मोहल्ले के लोगों ने बड़ी उत्साह के साथ वोट डाली था कि ये हमारा काम करेंगे। उनके बनने के बाद भी ये काम नहीं हुआ। और आज जब हम 22 तारीख को CM साहब आए थे, उनको दरखास्त दी थी 22 तारीख के बाद, अभी तक कोई कार्रवाई नहीं हुई। आज दुखी होकर के हमारे लोग यहाँ पर कमिश्नर साहब से मिलने के लिए आए। पहले वाले जो कमिश्नर साहब थे, उन्होंने भी कहा काम कराएंगे, मगर नहीं कराया। इन्होंने हमें बिठा करके बड़े अच्छे से, मतलब हमें पूछा है और हमारी समस्याओं को जाना है और उसके समाधान के लिए जो भी वो कर सकते कर रहे होंगे। उन्होंने हमें 14 तारीख तक का टाइम दिया है। 14 तारीख के बाद उन्होंने कहा 14 तारीख तक आप हमें टाइम दो, उसके बाद आप प्रोटेस्ट करना पूरी करो। पीने के पानी को लेकर भी समस्या है, पीने के पानी को लेकर समस्या है, सीवरेज के पानी को लेकर समस्या है, वहाँ पर गली मोहल्ले में इतनी गंदगी है उसको लेकर के समस्या है। हमारा मोहल्ला ही एक समस्या है और उस समस्या को बनाने वाले वहाँ के लोग हैं। हम 18 वार्ड में रहते हैं, ना कि पाकिस्तान में रहते हैं। हम बार बार कहते हैं कि हम 18 वार्ड के नागरिक हैं और 18 वार्ड वो वार्ड है जहां से भारतीय जनता पार्टी जीत कर गई है, वहां पर जिता करके उसको भेजा है। हमारे 4 बूथ बनते हैं 18 वार्ड के, जो हमारी कॉलोनी में वहाँ पर 4 बिरादरियाँ रहती है, जैसे भाट बिरादरी है, डेहा बिरादरी है, कपरिया बिरादरी है, सिकलीगर बिरादरी है, अदर और भी स्लम एरिया के अंदर लोग रहते हैं। शिव कॉलोनी का इलाका मुख्यमंत्री का अपना वार्ड है, 18 वार्ड, डिप्टी मेयर का अपना वार्ड है वो, लेकिन वहाँ पर समस्याओं का ऐसा अंबार है कि वो एक समस्या वार्ड बनकर रह गए। डिप्टी मेयर हो गए, मुख्यमंत्री हो गए, वो वहाँ नहीं आते देखने के लिए। वो उनको वार्ड अपना, वो कभी देखा ही नहीं उन्होंने आके, खाली आश्वासन देते हैं, आते हैं घूम कर चले जाते हैं बस, या वोट लेनी होती जब आते हैं। हम तो जब इस्तीफा देकर गए थे तो कह रहे थे स्मार्ट सिटी बनाकर गए हैं करनाल को। वो तो स्मार्ट सिटी तो नहीं बना, खेल कबाड़ सिटी तो बन गया वो, पर उसके लिए भी आपका बहुत बहुत धन्यवाद कबाड़ सिटी बनाने के लिए, लेकिन जब स्मार्ट बनेगा हम तो जब जानेंगे, अभी तो स्मार्ट है नहीं। सर, कहीं ना कहीं देखा जा रहा है कि सरकार जो है सफाई के नाम पर हजारों करोड़ों रुपए खर्च कर रही है, लेकिन कहाँ कर रही है आप भी बताइए। हमारे लिए तो चाहे वो लाखों करोड़ों खर्च करे, हमारे नाम पर तो देला भी नहीं है, क्योंकि हम जिस गंदगी में जी रहे हैं ना, वो सरकार के नुमाइंदे लोग आकर के 2 दिन वहाँ रह ले, हम समझेंगे उनके जैसा कोई इंसान ही नहीं है। हम कैसे जी रहे हैं वो हमें पता है। हमारे लिए 1000 करोड़ रुपए खर्च करे, हमारे तो वार्ड में आते लगे। सीवरेज की सफाई भी नहीं हुई है, बिल्कुल भी नहीं है। आप तो कवर कर चुके हो इतने इतने पानी में, ऐसा कौन सा भारतीय जनता पार्टी का नेता का दरवाजा जहाँ पर हमने उसको खटखटाया ना हो। बीमारियाँ भी फैलने लगी है, बहुत ज्यादा बीमारियों में 9 साल के बच्चों को शुगर हो रहा है। कमिश्नर साहब ने क्या कुछ आश्वासन दिया? अब देखो, कमिश्नर साहब के पास आए थे, उन्होंने आश्वासन दिया भाई 14 तारीख तक का आप मुझे टाइम दो, आपका समाधान हो जाएगा। अब आश्वासन पहले वाले देते थे, इन्होंने भी दिया है, चलो इनकी भी देखनी चाहिए, शायद हमें लगता है कि ये काम करेंगे। आज की दिहाड़ी भी कहीं ना कहीं चली गई है लोगों की। तो बिल्कुल जी, आपको पता है ये जो लोग आए आते हैं ना हमारे साथ, ये दिहाड़ी पे लाए हुए नेताओं की तरह नहीं है, ये आम नागरिक जनता की जनता है। सब कोई कबाड़ी की फेरी मारने वाला, इनमें कोई दिहाड़ी करने वाला, कोई कपड़े बेचने वाला, कोई मजदूरी करने वाला, कोई रंग पेंट करने वाला, ये सभी मजदूर लोगों को परेशान करके सरकार को क्या मिलेगा। आपका नाम? मेरा नाम पृथ्वीराज है जी, DNT जिला अध्यक्ष करनाल जी। दिहाड़ी मजदूरी छोड़ कर आए? हाँ जी, हाँ जी, छोड़ के आए। आगे होता ही नहीं होता है, 4 तारीख का टाइम दिया रखा है, देखो आगे चल के क्या लगता है अब समस्या का हल हो जाएगा। समस्या अभी तो देखो, वहाँ आएंगे ऐसे तो 100 आए हैं, 100 गए हैं, उनकी कोई वो नहीं है। 7 साल हो गए हैं, हमने BJP को ही वोट दिया है, 3 बार जिताया है, फिर भी हमारे मोहल्ले का काम नहीं होता। मच्छर काट दे, ये समस्या 7-8 सालों से समस्या है। हमारी बिरादरी में आओ, हमारे मोहल्ले में आओ, हमारे छोटे छोटे बच्चे बीमार पड़े हैं, जाके भर्ती हो रहा है हॉस्पिटलों में दिखा देंगे, कोई ऐसी बात नहीं है, भर्ती हो रहा है 2-4 बच्चे तो यहाँ भर्ती हो रहा है, बाकी सुबह दुआई लेते हैं शाम को चले जाते हैं। वोट नहीं दी थी आप? वोट दिए जी, वोट की कोई कीमत ही नहीं, हमारी फैमिली नहीं समझते जी, जब तो बुरा हाल यहाँ हो रहा है, वोट दिए भी बुरा हाल हो रहा है, इतने तरह पानी है मच्छरों का, बच्चे बीमार पड़ जाते हैं, मच्छर काट रहे, इतने पानी से सब रोज निकला, रोज बुरा दफे जी हमने फोरकास्ट की है पर कोई सुनवाई नहीं है, क्या करें। कमिश्नर साहब सुनेंगे, अब देखो जी उम्मीद है, अब कह रहे जी बस
जनता तो सबके लिए, सरकार के लिए जनता तो सब एक बराबर ही है। हमारी गलियों में ईंटें लगाते हैं 2-2 रुपए की, उसको जद मर्जी पाड़ के ले जाते हैं, है? उन पीछे हमारे जो ग्राउंड है ना उन पे पत्थर वाले रोड बनते हैं, उनके बढ़िया मार्बल वाले सीमेंट वाले, वो हम क्या इंसान नहीं है, हम जानवर हैं, हम मल्ले में रहते नहीं। या देश के लिए हम वोट नहीं देते या देश को वोट नहीं देते, हमारे को भी वोट नहीं बने हुए, नागरिक नहीं, हमारे घर में खुद 10 वोट है बीजेपी को दी थी, पर हमारे काम मैडम जी कोई सरकारी नौकरी मांग रहे इनसे, लगता है कमिश्नर साहब जल्दी काम करवा देंगे। ये तो लगता है, सुनिए थोड़ी बहुत कमिश्नर साहब ने, उनका धन्यवाद हो, कर देंगे तो अच्छी बात है। 14 तारीख तक का टाइम दिया है, 14 को नहीं करेंगे तो फिर 15 तारीख को हम वो इससे और ज्यादा करेंगे। तो देख सकते हैं कि कहीं ना कहीं किस तरह से बहुत ज्यादा दिक्कतें हैं, पीने का पानी सही नहीं आता, सीवरेज की सफाई नहीं होती, पानी की कोई निकासी नहीं है, जिसको लेकर शिव कॉलोनी इलाके के जो तमाम लोग हैं आज कमिश्नर साहब से मिलने के लिए करनाल के नगर निगम में पहुंचते हैं। वीडियो को शेयर जरूर करते रहिए, और कमिश्नर साहब ने भी जो है इनको आश्वासन दिया है जल्द इनका जो है काम करवा दिया जाएगा। तो इसी के साथ जय हिंद जय भारत।